ये कहानी है हैदराबाद के छोटे से गांव शमशाबाद की, जहां पॉलिटिक्स को लोग प्रताप रेड्डी के नाम से जानते थे। प्रताप रेड्डी जो लोगों की भलाई के नाम पे अपने एनजीओ की आड़ में हवाले का पैसा वाइट में बदलता था और पकड़े जाने के डर से मनी लॉन्ड्रिंग का सारा काम एक बैग के जरिए होता था। अरे प्रभु, इस बार चिट चिट को जरा देख के करना, ठीक है? और हाँ, जरा लड़का देख जरा ढंग से। अरे सर, ये क्या रोज उसका झंझट, इसे तो आप ही जाके देखो ना। मीडिया सर पे रहती है हर बार में, फोन क्या बोलते रहता है। गलती से कोई दिक्कत होगी, पूरा पत्ता साफ हो जाएगा इस बार। यहाँ मान गए सर आपको। वैसे मेरे नजर में लड़का है सर, अपना ड्राइवर। कौन ड्राइवर? सर राधे। हाँ बिल्कुल भरोसेमंद है सर। मेरा काम है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। अरे सर बिल्कुल, मैं गारंटी लेता हूँ, कर देगा काम। काम दे सब कर करा हो। सीन क्या हुआ कि यार उसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे लगा बड़ा पंगा हो जाएगा। मंत्री जी साथ थे तो अपने दिक्कत की बात नहीं आई। हेलो, हाँ प्रभु जी, प्रमोशन मेरा। अरे बस बस बस, 10 मिनट में आया। 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट। ओके ओके, थैंक यू। क्या हुआ, प्रमोशन हो गया? यार प्रमोशन हो गया, मंत्री जी ने जाना है, बस 10 मिनट में निकल रहे हैं यार। ठीक है, ठीक है। मंत्री जी से बात हो रही है तुम्हारी? हो जाएगा, हो जाएगा। रुको रुको रुको, ये पकड़ो, इसको ध्यान से एड्रेस पहुंचा देना और रिटर्न भी लेके आ जाना ध्यान से, ठीक है? हो जाएगा। हेलो, हाँ हो जाएगा, चलो। अरे राधे, कहाँ चले? मंत्री जी का काम है, थोड़ा बैग डिलीवर करके आते हैं। क्या बात, बड़े काम कर रहे हो मंत्री मंत्री क्या जी? अरे बड़े क्या, आप भी बड़े रिपोर्टर हो उसमें। अरे यार वो तो चलता रहता है बस। चलो यार, मेरे को ना थोड़ा सा लेट करता हूँ। ओके ओके। प्रभु
किसी और भरोसेमंद आदमी के ना मिलने के कारण मजबूरन उन्हें फिर से राधे पर ही भरोसा करना पड़ा। राधे, इस बार दो आदमी भेजो और इस बार गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है? और नेक्स्ट डिलीवरी कल करनी है। चलो। अरे मंत्री जी, क्या हाल है? आप सुनाइए। अरे आप क्यों टेंशन लेते हो? आपके हवाले का पैसा सफेद होता रहेगा। अरे आपका राधे आकर गया अभी, टेंशन मत लीजिए। अरे रिवड़ो साहब, हाँ एक क्षण बात करनी है। वो कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। क्या? ये जो मिनिस्टर का, मेरे को पहले लगता था बड़ा बिजनेस है, लेकिन आज जो मैंने सुना उससे लग रहा है अलग ही हेरा फेरी चोरी है इनकी। तू ऐसे ही बोल रहा है? सबूत है मेरे पास, आप बताओ क्या करें। ऐसा कर, उस मिनिस्टर को मेरे शो पे ले, उसका इंटरव्यू लेते हैं। ये सही बोल रहे हैं। हाँ, उसका पर्दा फाश करें। ठीक है सर। अरे आ जा आ प्रभु। सर, राधे का एक दोस्त है रिपोर्टर, वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता है। छोड़ रहे हैं दे, कहने दे, छोड़। सर इलेक्शन का टाइम है, मौका है, चौका मार लो। हाँ बोल रहे सर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मिस्टर प्रताप रेड्डी बैठे हैं, जिनका नाम सुनते ही सभा में हर बंदे के कान खड़े हो जाते हैं। वेलकम मिस्टर। तो मिस्टर प्रताप रेड्डी, ये आपका पहला इंटरव्यू है और आपने अपने पहले इंटरव्यू के लिए हमारे लोकल से गरीब से चैनल को भी पूछा। देखिए, मैं अपने आप को कोई बड़ा आदमी नहीं मानता हूँ, मैं हर छोटे आदमी से मिलना चाहता हूँ और आपके चैनल मेरे को लगा एक जरिया है हर छोटे आदमी तक पहुंचने का, और इसीलिए मैंने एनजीओ भी खोला है ताकि मैं हर एक छोटे आदमी की हेल्प कर सकूं। हाँ तो मिस्टर रेड्डी, आप बात करते हैं आपके एनजीओ की, तो मेरे पास ये लिस्टिंग्स हैं जिनके हिसाब से ये पता लगा है कि आपके एनजीओ ने पिछले 3 साल में हैदराबाद में सबसे ज्यादा फंड्स इकट्ठे किए हैं, तो ये कैसे? देखिए, अच्छा काम करने के लिए ना किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। हर आदमी दुनिया में यहाँ पे छोटे आदमी की हेल्प करना चाहता है, और इतने सारे लोग पैसा डाल रहे थे, इस बात से मुझे कोई वो नहीं है। पैसा डालते रहे लोग, मैं हर किसी की हेल्प करता रहूँगा मेरे एनजीओ में। लेकिन मेरे को सब ये सवाल मुझे आपका ठीक नहीं लगा। लेकिन ये जितने भी फंड्स इकट्ठे हुए हैं और जिनसे हुए हैं, आप इन सबको जानते हैं? जानने का मतलब है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी इतना कोई मदद कर रहा है, इस बात के लिए क्यों पूछूंगा किसी को कि क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा। अब मदद लोग करते हैं, मेरे को नहीं लगता ये जब मेरे को जनता को जवाब देने का वो है, इसके लिए कुछ मैं कोई बोलना नहीं चाहूंगा इस बात पे। अच्छा ठीक है, आपसे एक अलग सवाल। मोहन जी, मिस्टर रेड्डी, मेरा अगला सवाल ये है कि पिछले इलेक्शन में आपने शमशाबाद के लोगों से वादा किया था कि आप 70% घर में बिजली और पानी की सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। 6 महीने हो गए उस इलेक्शन को जीते हुए और अभी तक 20% घरों में भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या कहना है? थोड़ी देर में ठीक है, अगर आपको जवाब नहीं देना है तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। हाँ तो ये लास्ट सवाल आपके लिए, ये मैं जानना चाहता हूँ, ये आपने एनजीओ क्यों खोला है? क्योंकि मेरे सूत्रों के मुताबिक एनजीओ आपने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खोला है। ये कैसे हो सकता है? वैसे कैसे बोल सकते हैं ऐसे कैसे जान लगा रहे हैं उसमें? अरे नाम सर, तुम्हारे चैनल में से आप रिपोर्टर हो, रिपोर्टर की तरह बात करिए ढंग से, बिना किसी सवाल बिना किसी सवाल कैसे बोल सकते हैं? जानते हैं मैं कौन हूँ, जनता मुझ पर ऐसा
टेंशन लेते हो? अरे आपका राधे आकर गया अभी, टेंशन मत लीजिए। तो आप देख सकते हैं दर्शकों कि हमारे नेता कैसे हैं। अब अगला फैसला आपके हाथ में। गुड नाइट। मेरा प्लान तो सिर्फ पैसे चोरी करने का था, लेकिन साला तू ही उस मंत्री को मेरे पास ले आया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना चैनल बीट करा। लेकिन इतना सब जानने के बाद तेरे को मरना पड़ेगा। मेरे को तो मरना पड़ेगा राधे। दस नहीं या पांच होंगे, एक मिले से मरा हुआ था। बावजूद उसके कि उस रिपोर्टर के सवालों का जवाब उसके पास नहीं था, बावजूद इसके कि वो डरकर इंटरव्यू छोड़ के भाग गया, अपनी पावर, अपनी एनजीओ की अच्छाइयां दिखाकर वो फिर से इलेक्शन जीता और फिर से शमशाबाद में एक ही नाम की गूंज थी, प्रताप रेड्डी। यहाँ के लोगों को पैदा चाहे भगवान करता है, पर पालता मैं हूं और मैं ही पालता रहूंगा। ऐसे सैकड़ों नेता आज भी हमारे देश में अपनी सत्ता चला रहे हैं।